वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महिलाओं के साथ कुएं में उतरे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, बोले सरकार का जल जीवन मिशन केवल कागजों पर। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते कई क्षेत्रों में पानी की काफी कमी देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत देख कांग्रेस के युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव बड़वानी पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से पानी की समस्या के बारे में चर्चा की। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के साथ कुएं में उतरकर खुद पानी भी भरा। नए अवतार में नजर आएंगे सीएम मोहन यादव, गलती करने वालों पर होगी ऑन द स्पॉट कार्रवाई। रियल किरदार में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई देने वाले हैं। इसके लिए सीएम सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी। सीएम डॉक्टर मोहन का ये नया अवतार जल्द ही प्रदेशवासियों को दिखाई देने वाला है। सूत्रों का कहना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की हकीकत जानने की मंशा बनाई है। कांग्रेस की 9 सदस्यीय जांच समिति सागर समेत प्रदेश में दलितों के साथ हुई घटनाओं की करेगी जांच। कांग्रेस इन दिनों सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरूदिया नोनागिर में हुई घटना को लेकर एक्शन मोड में है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर सागर जिले के खुरई में घटित घटना सहित प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचारों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 9 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। शिवराज सिंह बोले, विरासत टैक्स से परंपरा खत्म करना चाहती है कांग्रेस। सैम पित्रोदा की विरासत पर की बात पर भाजपा नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विरासत टैक्स लगाकर कांग्रेस परंपरा को खत्म करना चाहती है। ये टैक्स पहले था, लेकिन जनता के दबाव में कांग्रेस ने इसे उस समय समाप्त किया था जब इंदिरा गांधी का निधन हो गया था। शायद राजीव गांधी ने टैक्स इसलिए हटाया था कि उनकी मां की संपत्ति उन्हें मिल जाए। मध्य प्रदेश में बनेगा लोकसभा चुनाव में जीत के अंतर का कीर्तिमान। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी तब मध्य प्रदेश में जीत के अंतर का कीर्तिमान भी बनेगा। भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि जीत के अंतर का कीर्तिमान मध्य प्रदेश में फिर बनने की प्रबल संभावना है। देश में पिछले चुनाव में जो 10 बड़े मतों के अंतर से जीत हुई थी उसमें प्रदेश का होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र भी शामिल था। इस बार संभावना जताई जा रही है कि इस चुनाव में भी मध्य प्रदेश से कुछ सीटों पर विजय बड़े मतों के अंतर से होगी। जीत को लेकर आश्वस्त भाजपा, पार्टी के पक्ष में वोट शेयर का टूटेगा रिकॉर्ड। पूरे देश में अब की बार 400 पार की गूंज है। हर तरफ भाजपा के पक्ष में माहौल है और मोदी की सुनामी चल रही है। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव परिणाम राजनीतिक विश्लेषकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए अध्ययन का विषय बनेंगे। 80% बूथ पर जीत मिलेगी और 68% वोट भाजपा को मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने ये बात प्रदेश मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। नर्सिंग कॉलेज के बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी के बीएचके 208 कॉलेज कटघरे में। नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े के बाद अब प्रदेश के बीएड कॉलेज कटघरे में आ गए। एसटीएफ द्वारा 6 कॉलेज संचालकों पर फर्जी एफडीआर, फर्जी भवन निर्माण व डायवर्जन पत्र के आधार पर मान्यता लेकर बीएड कॉलेज का संचालन किए जाने पर एफआईआर होने के बाद से अब पूरा सिस्टम सख्ते में है। प्रदेश भर के तमाम जिलों में लगभग 208 बीएड कॉलेजेस को संबद्धता देने वाले प्रदेश के एकमात्र A++ नैक ग्रेड प्राप्त जीवाजी विश्वविद्यालय पर अब सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम कानून के तहत मतांतरण के बिना अंतर्धार्मिक विवाह अवैधानिक। हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़की के बीच विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार वैध विवाह नहीं। इस मत के साथ कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अंतर्धार्मिक विवाह को पंजीकृत करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। बीएड में अब तक 20,000 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा बीएड कॉलेजेस में संचालित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के 9 पाठ्यक्रमों में 69,000 सीटों पर प्रवेश के लिए भी ई प्रवेश प्रक्रिया चलाई जा रही है। राजधानी सहित प्रदेश भर के 625 से अधिक बीएड कॉलेजेस में 58,000 सीटों पर प्रवेश की स्थिति काफी बेहतर रही। अब तक करीब 20,000 विद्यार्थियों ने शुल्क भुगतान कर प्रवेश लिया। वहीं पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी प्रवेश के लिए पंजीयन की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही।
मध्य प्रदेश के बूथ प्रबंधन की विदेश में हो रही सराहना। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में भाजपा के बूथ प्रबंधन को विदेश तक में सराहा गया। चुनाव के दौरान 6 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात कर भाजपा की चुनावी रणनीति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश मीडिया सेंटर का भ्रमण भी किया। उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, 425 किए चिन्हित। उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जाएगा, वहीं नया अतिक्रमण ना हो इसको लेकर भी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। सिंहस्थ मेला क्षेत्र से ऐसे 425 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, इनमें से 62 अतिक्रमण हटाए गए। इसके अलावा मेला क्षेत्र में स्थायी निर्माण की अनुमति के लिए नीति बनाई जाएगी। किसान भाई ध्यान रखें, 4 इंच वर्षा होने के बाद ही करें बोवनी। आगामी खरीफ मौसम की फसल बुआई का समय नजदीक आ रहा है। जिले में मुख्य रूप से सोयाबीन फसल बोई जाती है। कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों को इस संबंध में सलाह जारी की गई। किसानों को सलाह दी गई कि यह सोयाबीन की बोवनी के लिए मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का समय बेहतर है। नियमित मानसून के पश्चात लगभग 4 इंच वर्षा होने के बाद किसान अपने खेतों में बुआई करें। मानसून पूर्व वर्षा के आधार पर बोवनी करने से सूखे का लंबा अंतराल होने पर फसल को नुकसान हो सकता है। छिंदवाड़ा कलेक्टर को हटाकर विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग, आयोग ने 3 किए नियुक्त। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को हटाने और मतगणना के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की। पार्टी के प्रत्याशी नकुलनाथ ने इसे लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा तो प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी मांग की। पार्टी ने कलेक्टर के रहते मतगणना प्रभावित होने की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्र में मतगणना पर नजर रखेंगे 116 प्रेक्षक। प्रदेश में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है। 29 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना पर नजर रखने के लिए 116 प्रेक्षकों को नियुक्त किया गया। प्रेक्षकों की नियुक्ति विधानसभा क्षेत्र के अनुसार की जाएगी। इंदौर के लिए डॉक्टर आर सिल्वाराज, धार इंदौर के लिए भंवरलाल मेहरदा को नियुक्त किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के सभी 4 चरणों की 4 जून को मतगणना होगी। एमपी में हर साल बीड़ी पीकर मर जाते हैं 33,000 लोग। बीड़ी लोगों के जिगर को सही में सुलगा रही है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जोधपुर और टोबैको रिसर्च एंड एवोल्यूशन ई विश्ल प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट में कहा गया कि 6 महीने के मेटा एनालिसिस के बाद पता चला कि भारत में बीड़ी पीने से हर साल औसतन 5.55 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वहीं मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 32,947 के आसपास रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम की गुंडागर्दी, घर में घुसकर महिलाओं को पीटा। बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालिग्राम एक बार फिर से अपनी गुंडागर्दी को लेकर सुर्खियों में है। शालिग्राम ने एक गांव में घुसकर जमकर आतंक मचाया और एक घर में घुसकर महिलाओं व बच्चों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में महिलाएं घायल हुई। हैरानी की बात तो यह है कि मारपीट की घटना का पूरा वीडियो सामने आया जिसमें एक पुलिस वाला भी नजर आ रहा है। एग्जाम में आए बच्चों के 30% से कम नंबर तो जाएगी शिक्षकों की नौकरी। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई। इसका कारण यह है कि अब सरकारी स्कूल्स में 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब तक 4,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की सूची तैयार की जा चुकी है। हाल ही में इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से आदेश जारी किए गए थे। कांग्रेस का बड़ा फैसला, एग्जिट पोल डिबेट्स का हिस्सा नहीं बनेगी बीजेपी ने कसा तंज। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण आज 1 जून को है। शेष बची 8 राज्यों के 57 सीटों पर आज मतदान होगा। उसके बाद शाम से एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू होंगे। उसके बाद 4 जून को चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस ने यह तय किया है कि एग्जिट पोल डिबेट्स में पार्टी भाग नहीं लेगी। भाजपा ने कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसा। 500 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई ने दिया बड़ा अपडेट। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 500 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी साझा की। बैंक ने बताया कि चलन में मौजूद कुल करेंसी में 500 रुपए के नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86.5% हो गई, जबकि एक साल पहले ये 77.1% थी। इस उछाल के लिए पिछले साल मई में 2,000 रुपए मूल्य के नोट को वापस लेने की घोषणा को मुख्य वजह बताया गया है।
सीएम केजरीवाल का केंद्र पर हमला, पंजाब को अधिकार नहीं दे रही मोदी सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जबानी हमला बोला। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने संगरूर में रोड शो किया। सीएम केजरीवाल ने इस रोड शो में अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गुंडागर्दी कर रही है और पंजाब को उसका हक नहीं दे रहा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च। भारत में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण की सफल लॉन्चिंग हुई। इसे इसरो की मदद से श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग साइट से लॉन्च किया गया। चेन्नई की प्राइवेट स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने इस रॉकेट को डेवलप किया है। ये एक सिंगल स्टेज का रॉकेट है जो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। ये रॉकेट 100 किलो तक की सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। हनुमंतिया की तरह नागरबेड़ा टापू भी होगा विकसित। इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर स्थित टापुओं को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना अब मूर्त रूप लेने लगी। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के हनुमंतिया जल पर्यटन केंद्र, सैलानी आइलैंड और वन विभाग की बोरिया माल टापू के बाद अब नागरबेड़ा आइलैंड को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया गया है। हाईकोर्ट ने एक पक्ष को सुने बिना लोक अदालत द्वारा पारित डिग्री को किया निरस्त। हाईकोर्ट ने एक पक्ष को सुने बिना लोक अदालत द्वारा पारित डिग्री को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी देवरी की अदालत को निर्देश दिए कि 3 माह के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक प्रकरण पर निर्णय ले। जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल पा रहा ठंडा पानी, पानी की बोतलें खरीदने को हो रही मजबूर। दमोह जिला अस्पताल में इस भीषण गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा। यहां लगे वाटर कूलर गर्म पानी दे रहे हैं, इससे मजबूरी में मरीज बाहर से ठंडे पानी की बोतल खरीदने को मजबूर है। नौतपा में प्रतिदिन तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी हो रही है। 2 दिन पहले दिन का तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका था। ऐसे में लोगों को गला तर करने ठंडे पानी की जरूरत पड़ रही है। रिकॉर्ड में जिस दिन लापता हुआ सैनिक उसी दिन से व्रत मानकर दे फैमिली पेंशन। सेना के जवान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। दुर्भाग्य से जब कोई सैनिक अचानक से लापता हो जाता है तो उसके स्वजनों के प्रति सेना का व्यवहार बदल जाता है। लापता सैनिक के परिवार की मदद के बजाय सेना उससे अपेक्षा करती है कि वे न्यायालय के माध्यम से सैनिक की मृत्यु की घोषणा करवाएं। रिकॉर्ड में जिस दिन लापता हुआ सैनिक उसी दिन से मृत मानकर उसे फैमिली पेंशन दी जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।